नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रेन। आज मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में पार्टी और नेता के तिमारपुर के विधायक दीपेन पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह असहमति जताई। दीपेन पांडे ने शीर्ष अदालत फैसले को पूरी तरह से हैरान करने वाला बताया। पांडे ने अदालत की तरह सिसोदिया की जमानत खारिज करने के पीछे जो तर्क लेकर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि 338 करोड़ का जिक्र कहां से आया, दिलीप पांडे का कहना है। जमानत याचिका पर निरस्त करने के पीछे जो कारण दिए गए वो कतई सतर्क संघ को लागत है और ऐसे में न्याय होना ही चाहिए। इसको लेकर दिलीप पांडे काफी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे, बल्कि न्याय होते ही दिलाना चाहिए ये बात भी वो कहते हुए नजर आए। लेकिन इस फैसले की न्यायिक प्रक्रिया का प्रश्न उठाया जाना वाजिब है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मामले में जिस 338 करोड़ की बात कही जा रही है, इसका जिक्र सुनवाई के दौरान ना तो ईडी ने किया और ना ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने किया। आपके विधायक ने कहा कि ना ही मामले से संबंधित वकीलों के कोई आरोप लगाया गया। इस रहस्यमय राशि की कोई कानूनी दस्तावेज का उल्लंघन नहीं किया गया। आपको बता दें कि अचानक हुए इस रहस्यमय उद्घोषण में कानून के जानकारों को भी चौंका दिया। सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है। आप विधायक ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले 15वें दिन तक सुप्रीम कोर्ट लगातार जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ी करती रही। यहां तक कह दिया कि प्रथम दृष्टता से सिसोदिया जी के खिलाफ किसी तरह का पुख्ता सबूत नहीं। पांडे ने आगे कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद और अगले दिन माननीय जस्टिस ने सुनवाई के दौरान जो भी कुछ कहा उसका ऑब्जेक्शन था, उसे पलट दिए जाने का बात कह डाली। ऐसे में प्रतीत होता है कि 338 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा हुआ। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज की जाती है। इससे कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते। सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीद की किरण दिलीप पांडे से कहा कि ऐसे वक्त में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं से लोगों को भरोसा उठ रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम उम्मीद की किरण उससे उम्मीद की जाती है कि वह कारकों के प्रभावित हुए ईमानदार फैसला लेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर जो फैसला आया उसमें मन में असंतोष भर दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें कोई भी भयवश सच के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार दिलीप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं गलत है। और उनका कहना है कि जब 338 करोड़ के घोटाले की बात आई तो सबूत कहां थे, सबूत के बिना पेश किए ही सजा कैसे सुना दी गई और कोर्ट ने अपना फैसला कैसे सुना दिया। दर्शकों, इस मुद्दे पर आप अपनी क्या रखते हैं? क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो गैर कानूनी तौर पर सुनाया, या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया मनीष सिसोदिया को लेकर वो बिना किसी सबूत बिना किसी बिना पर सुनाया? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट ट्रेन आवाज।